हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाले हैं जो खाने में तो बहुत ही टेस्टी है और बनाने में भी बहुत ही आसान रेसिपी है। चलिए हम शुरू करते हैं। हमें आधी कटोरी मिल्क पाउडर लेना है, इसे हम एक बाउल में डाल लेंगे और एक कटोरी नारियल का बुरादा, अब इसमें हम 2 चम्मच पीसी शक्कर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मिल्क डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें मिल्क डालना है। इसे अच्छे से मिक्स करके एक डो बना लेंगे। ये डो रेडी हो गया है। अब इस डो के हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे अलग अलग। ये हमने दोनों इक्वल पार्ट्स में दोनों डिवाइड कर लिया है। अब इसमें हम कलर डालेंगे, हम एक रेड और येलो लिए हैं तो डालेंगे थोड़ा सा। इसमें हम येलो डाल लिए हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपके पास और कोई कलर हो तो उसके भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम सेकेंड में रेड डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये डो हमारे दोनों रेडी हो गए हैं। अब हम दोनों डो के छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे अपने हाथों में, थोड़ा सा बटर या घी लगाकर इस तरह से। देखिए, ऐसे छोटी छोटी बॉल्स बनानी है हमें। देखिए, मैंने ऐसे छोटी छोटी बॉल्स इसकी बना ली हैं। ये हम येलो वाले के भी ऐसे छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। इस तरह से हम दोनों कलर्स की छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। ये हमारे दोनों की छोटी छोटी बॉल्स बन गई हैं। अब इसकी हम मिठाई बनाएंगे इस तरह से। देखिए, हम पहले एक कलर की बॉल रखेंगे, देखिए हमने 3 येलो कलर की रखी रही, फिर उसके बाद दूसरी रेड वाली रखी रही। अब इनको हम अच्छे से ज्वाइंट कर लेंगे, अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये हो गई। अब हम इसको सर्कल में शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से। अब हम बाकी की भी इसी तरह बना लेंगे। यह हमें थोड़ा थोड़ा इसे प्रेस करना पड़ेगा और फिर उसके बाद इनको हम सर्कल का शेप दे देंगे। ये रेडी हो गए हैं हमारी मिठाई। अब इसमें थोड़ी सी हम बादाम लगाएंगे ऊपर इस तरह से, हमने काट ली रही इसे। ये देखिए, ये हो गया है। अब एक हम कोई डिज़ाइन वाला ले लेंगे, उससे हम डिज़ाइन बना लेंगे। इस तरह से थोड़ी थोड़ी इसमें डिज़ाइन आ जाती तो और अच्छा लगता है। ये इससे हमारे बादाम जो हैं अच्छे से ये फिट भी हो जाएंगे
और ये हमारा रेडी भी हो गया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और इसमें डिज़ाइन भी अच्छी आ गई है। इसे आप प्लीज़ घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा बना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।